अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की रेसिपी बीफ पसंदे की है। ये 400 ग्राम पसंदे थे और इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे और 2 टेबलस्पून लाल पीसी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून आपने हल्दी शामिल करनी है। खसखस और चने का पाउडर 1 टेबलस्पून डाल देना है। 3 से 4 हरी मिर्च, 1 अदरक कट करके और 4-5 आपने लहसुन ले लेना है और इसका दही में डालकर पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट बनाकर हमने इसमें शामिल कर दिया था। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 से 2 पिंच आपने काला नमक शामिल करना है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल करना है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 टेबलस्पून सरसों का तेल शामिल कर देंगे। सरसों का तेल पका हुआ होना चाहिए। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे और 1 पिंच अजवाइन शामिल कर देंगे। अब इन सबको आपने अच्छे से मिक्स करना है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। फिर से इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब 2 चम्मच घी के शामिल करने हैं और इसमें 2 दरमियानी प्याज कट करके शामिल कर देंगे ब्राउन होने के लिए। ये प्याज ब्राउन हो चुकी है, ब्राउन प्याज निकाल देनी है। अब इसमें पसंदे शामिल कर देंगे और साबुत गरम मसाला शामिल करना है जिसमें तेज़पात के पत्ते और इलायची भी शामिल हो। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हमने सिर्फ पसंदे डाले थे, उसके बाद जो उसका मसाला रह गया था वो शामिल कर देंगे और इसमें 1/2 कप जितना पानी शामिल कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए आपने लिड लगा कर रख देनी है हल्की आंच पर और इसे बार बार चलाते भी रहना है जब तक पसंदे ना गल जाएं। अब 1 टेबलस्पून खोपरा और 3 से 4 बादाम लेकर इसे पीस लेना है। ये भी पसंदों में शामिल कर देंगे। 2 पिंच जायफल जावित्री और इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे और जो ब्राउन प्याज हमने करके रखी थी उसे थोड़े हाथ की मदद से चूरा कर लेंगे और इसे भी शामिल कर देंगे। अब इसमें हरा धनिया और पुदीना कट करके शामिल कर देंगे और 3 से 4 हरी मिर्च भी कट करके शामिल कर दें। इसे थोड़ी देर पकने देंगे और ये पसंदे बिल्कुल तैयार हैं। आज की रेसिपी इतनी ही थी पसंदों की। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।